हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो। मेरा नाम राशिद हुसैन और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी राशिद यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने मिस्टर इंडियन हैकर की वीडियो तो जरूर देखी होंगी। अगर आपने देखी हुई तो आपने उनकी वीडियो में जो एनिमेशन आता है वो जरूर देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी वीडियो के लिए वो एनिमेशन रेडी कर सकते हो। तो यार, कहाँ जा रहा हो? मुझे पता है आप वीडियो देखते हो, मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से वही लाल वाला बटन, रेड वाला बटन जल्दी से दबा दो। इस तरह का एनिमेशन हम इसमें बनाएंगे तो हम यह यूज़ करेंगे काइन मास्टर। तो यहाँ क्रिएट न्यू पर हम क्लिक करेंगे और 16:9 पर हम यहाँ क्लिक करके और इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर इमेज का ऑप्शन है, इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर ली मैंने, इसको हम यहाँ 10 सेकेंड तक हम इसकी लेंथ रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से एक बैकग्राउंड में वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको जो पसंद हो वो कर लेना। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ इसकी पूरी लेंथ कर देता हूँ 10 सेकंड की। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैं कस्टमाइज़ करके इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा। उसके बाद में यहाँ आपको राइट साइड में दिख रहा है क्रॉपिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ कस्टमाइज़ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कर लिया, फिर से इस पर क्लिक करेंगे। अब उसको थोड़ा सा यहाँ नीचे मैं सेट कर लूँगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या करेगा हम, अब फिर से हम लेयर पर क्लिक करने के बाद में मीडिया पर जाएंगे और यहाँ से एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है तो मैं ये वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब इसका थोड़ा सा यहाँ से कलर सेट कर लेते हैं, थोड़ा कलर इसका। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से मैं ये कुछ भी इस तरह से थोड़ा सा कलर सेट कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो इसको हम ब्राइटनेस पर यहाँ एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, इस तरह से मैंने कलर सेट कर लिए इसके कुछ इस तरह से। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना कर लेना। ठीक है, तो अब मैं इस पर फिर से क्लिक करूँगा और यहाँ क्रॉपिंग ऑप्शन इस पर क्लिक करके और यहाँ मास्क का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर दूँगा मास्क को। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हो शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप जो भी अच्छी लगे आपको शेप आप वो कर लेना। मैं इसको यहाँ राउंड में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं राउंड शेप में इसको क्रॉप कर लूँगा इस वीडियो को। ठीक है, थोड़ा ऊपर से लेंगे हम और थोड़ा सा नीचे से इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये राउंड में आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं खींच कर ये जो वाइट बैकग्राउंड मैंने लगाई है बॉर्डर, इस पर हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, आप और भी अच्छी तरीके से इसको बना सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे और टेस्ट पर क्लिक करके यहाँ अपने चैनल का नेम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ मैं अपने चैनल का नेम टाइप कर लेता हूँ, ये हो गया। यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको कलर का, अब ये कलर चेंज हो गया। अब यहाँ से मैं फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये फॉन्ट भी चेंज कर लिया मैंने। अब मुझे इसमें आउटलाइन भी लगानी है दूसरे कलर की, इसको पहले मैं यहाँ खींच कर ले आता हूँ। तो अब मैं यहाँ से ये थोड़ा राइट साइड में जाएंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ आउटलाइन आपको शो हो रही है इस पर क्लिक करेंगे और इसको भी इनेबल कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ आउटलाइन मैंने ब्लैक में सेट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ सही से सेट कर लेना पहले। अब इसको भी हम थोड़ा ये फुल लेंथ में ले लेंगे 10 सेकंड की। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ ऐड करेंगे हम सब्सक्राइब एनिमेशन। तो लेयर पे जाएंगे, मीडिया पर जाने के बाद में जहाँ भी हमने डाउनलोड की हुई होगी सब्सक्राइब एनिमेशन, या आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैंने पहली वीडियो में भी बताया है। इसको ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इसको जो ग्रेन बैकग्राउंड है इसको मैं हटा देता हूँ क्रोमा की मदद से। ठीक है, तो ये राइट साइड में देख रहा है क्रोमा की, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, ये रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब इसको मैं खींच के मैं यहाँ नीचे ले आऊँगा इसको चैनल के नेम के बराबर में। ठीक है, कुछ इस तरह से। सब्सक्राइब एनिमेशन के लेयर को यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, जो आप देख रहे हो जो ग्रीन कलर का नीचे शो रहा है, इसको खींच के हम यहाँ लास्ट में कर देंगे इस तरह से। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से हटा के इसको लास्ट में कर देंगे। सही है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो वाइट बैकग्राउंड है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से स्लाइड अप इस तरह से, और इसको हम इसकी स्पीड रखेंगे 2.5। ठीक है, इस तरह से 2.5 मैंने रख दिया।
आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको अगर फास्ट चाहिए या स्लो में चाहिए तो आप उसको कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आउट एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से स्लाइड डाउन करके इसको 2.5 पे फिर से इसको भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, अब है चैनल नेम, चैनल का नेम, इसको सिलेक्ट करेंगे स्लाइड। अब मैं यहाँ इसको स्लाइड अप नहीं करूँगा, लेकिन अब कुछ इस तरह से मैं इस तरह से ही ओके। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसकी भी स्पीड 2.5 कर दूँगा, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया। अब फिर से इसको सिलेक्ट करूँगा चैनल के नेम को, ये कुछ इस तरह से आएगा, देखो, ठीक है। अब मैं इसको फिर से सिलेक्ट करके आउट एनिमेशन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं स्लाइड डाउन कर दूँगा, ठीक है, 2.5, इसकी भी स्पीड 2.5 कर दूँगा, ठीक है। इस तरह से हम एक एक करके इसको इन एनिमेशन आउट एनिमेशन करते रहेंगे, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब क्या है, अब जो हमने ग्रीन ये एनिमेशन लगाया था सब्सक्राइब बटन का, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इन एनिमेशन पर इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड अप इसको कर दूंगा मैं, इसकी भी स्पीड में 2.5 रख देता हूँ, ठीक है, 2.5 हो गया। अब इसको आउट एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और स्लाइड डाउन कर देंगे, इसकी भी स्पीड सेम 2.5 पर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये हो गया। अब जो हमने वीडियो जो हमने एड की हुई है, तो हम अब इसकी वीडियो को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इन एनिमेशन पर इसको भी क्लिक करेंगे और इसको भी स्लाइड अप पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और थोड़ा 2.5 पर इसको भी हम सिलेक्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से। सबको एक एक करके हमें सेम यही करना है, ठीक है। इसको भी आउट एनिमेशन पर स्लाइड डाउन और 2.5, ठीक है, ये हो गया। जो हमें करना है, जो हमने ये एनिमेशन पे अपनी वीडियो जो ऐड की हुई है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसका जो वॉल्यूम है, मैं थोड़ा ये 100 है तो मैं इसको यहाँ थोड़ा कम कर देता हूँ, चलो मैं 52 रख देता हूँ, ठीक है, 52 हो गया। क्योंकि जब हम बोलते टाइम जो हमारी वीडियो में भी चलेगा, तो उसकी वीडियो की आवाज़ से थोड़ा ये इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब क्या रह गया, जो ये बैकग्राउंड मैंने येलो सेलेक्ट करी थी, तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, पहले मैं भूल गया था। तो यहाँ से ऊपर से कलर्स इसका चेंज कर लेंगे, ताकि हमें जब वीडियो पर अप्लाई कराएं हम क्रोमा की रिमूव करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ से मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हमारा ये एनिमेशन अब कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए इसको अब प्ले करके देखते हैं, ठीक है, इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारे एनिमेशन ये आने वाला है, ठीक है। अब जब हम इसको वीडियो पर अप्लाई करेंगे तो क्रोमा की मदद से बैकग्राउंड जो ग्रीन है ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ना करने के बाद में अब यहाँ ऊपर एरो का निशान दिख रहा है आपको, यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको एनिमेशन को सेव कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।